चलिए बेटा। हाँ क्वेश्चन नंबर बेटा, साइन रेस टू सिक्स थीटा प्लस कॉस रेस टू सिक्स थीटा प्लस थ्री टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? हाँ, साइन रेस टू सिक्स थीटा प्लस कॉस रेस टू सिक्स थीटा को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा रेस टू द पावर थ्री कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर थ्री प्लस थ्री साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। मुझे बताइए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिक्स पावर को हमने लिखा रेस टू टू रेस टू थ्री, टू रेस टू थ्री लिख सकते हैं। आप मुझे बताइए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट बेटा, ए स्क्वायर माइनस माइनस बेटा माइनस, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर रहे हो तो माइनस, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर रहे हो, यहाँ माइनस यहाँ पूरा प्लस, तो ये भी लिखा देता हूँ, इसको भूलना मत, ए माइनस बी और ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब बेटा एक ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, अब यहाँ क्या दिख रहा है, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, इस दो के लिए आप क्या लिख सकते हो, पहली ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके लिए थोड़ी देर के लिए ए बन गया ना और ये बी बन गया, तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख दिया आपने, अब दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ए का स्क्वायर साइन रेस टू फोर थीटा माइनस ए बी मतलब साइन स्क्वायर इंटू ये आपने इन दोनों के लिए लिखा और ये तो जैसा था वैसे रहेगा, थ्री टाइम्स भाई साहब इसका वैल्यू पूरी दुनिया को पता है, और वन से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वही ब्रैकेट आएगा। तो अब इस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को मैं साथ में लिखता हूँ, ठीक है, साइन रेस टू फोर थीटा प्लस कॉस रेस टू फोर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये प्लस थ्री साइन स्क्वायर, हाँ बेटा ये हाँ बेटा कर सकते हैं बिल्कुल, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा, ये थ्री टाइम्स एक्स माइनस टू टाइम्स माइनस एक्स ऐसा है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, लिख दो फिर, साइन रेस टू फोर थीटा प्लस कॉस रेस टू फोर थीटा प्लस क्या बचेगा, टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, वेरी गुड बेटा, और ये तो काम ही हो गया ना फिर, क्या होगा, क्या होगा, नहीं हाँ बेटा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, देखो आप इसको अगर आप ऐसे लिखते हो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, हाँ इसको बीच में ले लो टू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर और प्लस इस वाले को लिखो, हाँ बेटा बातें हो रही है, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हुआ कि नहीं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, लेकिन अंदर वाली का वैल्यू तो वन है, सही बात होगी भाई, ओ भाई काहे फिर हल्ला मचा रहे हो, हाँ भैया हो गया, ऐसा करके देखो सच में ऐसा ऐसा करके नहीं देख पा रहे, थोड़ा भी नहीं, कहाँ पर हो रहा है इस वाले में,
इस वाले में ना अच्छा ऊपर नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे नहीं जी, ठीक है? नहीं ठीक है ना, छोड़ दो, इतनी अपने पास बहुत सारी जगह यहाँ पे। तो इसको लिखा था बेटा हमने साइंस स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है ना बेटा, साइंस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइंस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 2, ठीक है बेटा? हुआ बेटा? भैया सर वो क्या गरीब असल के गाने बनाने माला माला भाज झाला तुम्ही। ए भैया तुला माग बसल वर तुम्ही, वो शांत है आज तो, अभी आप चुप रहो। देखो बच्चे चलिए, लिखो 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 फास्ट लिखो। हाँ तो ठीक है, आंसर। चलिए बताइए क्या किया जा सकता है इसमें। हाँ टेन स्क्वायर 120 है, तो टेन 120 का वैल्यू निकाला जा सकता है ना, और कॉस 150 का भी निकाला जा सकता है। 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर 150 है, विच इज इक्वल टू 9। तो बेटा ये तो सिंपल सा इक्वेशन है जिसके अंदर आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, बाय फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ कॉस 150 एंड टेन 120। सीधा सा इक्वेशन दिया है ना जिसके अंदर एक्स का वैल्यू निकालना है। अब टेन 120 का वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन 120 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 90 से डिवाइड किया तो 19 into 1 plus 30। अब 1 तो बेटा ऑड है, 1 ऑड है तो टेन का क्या बनेगा, कॉट 30 बनेगा। और 120 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड, सेकंड में टेन क्या होता है नेगेटिव, ये बनेगा इस तरीके से। कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है, √3। देखो देखो कॉट 3 एच कॉट 30 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉट मतलब क्या होता है, कॉस बाय साइन, ठीक है, कॉस बाय साइन होता है, और 30 मतलब कॉस बाय साइन। अब कॉस 30 का वैल्यू तो आपको पता है, कॉस 30 का नहीं पता, नहीं याद करो फिर, कॉस 30 का कितने लोगों को नहीं पता वैल्यू, कॉस 30 बेटा। हाँ तो कॉस √3/2 और साइन 30 1/2, बेटा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, -√3 आएगा, ठीक है। हाँ तो ए tan 120 का वैल्यू आ चुका है हमारे पास -√3। तो बेटा tan स्क्वायर 120 कितना होगा, -√3 का स्क्वायर, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट हट जाएंगे, ठीक है। हाँ अब अगला वैल्यू निकालते हैं हम लोग, अगला कौन सा है बेटा, कॉस ऑफ 150। तो कॉस 150 का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, कॉस ऑफ 90 into 1 plus 60। तो 1 ऑड है बेटा तो क्या मिलेगा, साइन 60, 1 ऑड है तो कॉस का बनेगा साइन 150, सेकंड क्वार्टर में कॉस नेगेटिव, साइन 60 का वैल्यू √3/2। कॉस स्क्वायर 150 का वैल्यू कितना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे -√3/2 का स्क्वायर, तो माइनस का बनेगा पाई प्लस,
है। हाँ रुको थोड़ा, अब ये जो वैल्यूज हमने निकाली उसको इक्वेशन में रखते हैं, तो एक्स इंटू, हाँ बेटा टेन स्क्वायर 120 का वैल्यू कितना आया था, 3, तो एक्स इंटू 3 प्लस 4 इंटू कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, 3/4, उसी इक्वेशन 4 4 विल गेट कैंसिल, यहाँ बचेगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो 3x इज इक्वल टू 6, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 2। ठीक है ऑप्शन तो भी लिखा, नहीं सर, दस मिनट हो गए, 15 मिनट ही हो गए, मुझे लगा आधा घंटा हो गया। क्या बेटा, हाँ एक्स इंटू 3 है बेटा, किसका वैल्यू है वो, टेन स्क्वायर 120 का है ना, तो एक्स इंटू टेन स्क्वायर 120 का वैल्यू। हाँ बेटा क्या बोल रहे थे, ये 74 क्वेश्चन है बेटा अभी तो, हाँ बेटा ये डाले का सही है बेटा, बिल्कुल सही। हाँ बेटा चलो अगला ट्राई किया, नहीं आ रहा, चलो देखते हैं, बेसिक डेफिनेशन यूज करेंगे बेटा। क्या दिया है, ट्रायंगल एबीसी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 डिग्री का एंगल कौन से वर्टेक्स से बन रहा है, सी। तो अगर मुझे ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ करना है
90 डिग्री जहां पर बन रहा है वहां मैं सी वाला वर्टेक्स डिनोट करूंगा और बाकी जगह पर ए एंड बी। हाँ नहीं 45 45 क्यों, हमें क्या पता, जबरदस्ती। अरे अरे भाई कुछ भी हो, 30 60 भी हो सकता है, 20 70 हो, कुछ भी हो सकता है, 1 90 है बाकी दो का, हमें क्या पता 45 45 कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं हमें। वो एक पॉसिबिलिटी की 45 45 होगा लेकिन जरूरी नहीं वो हो। आ रही बात समझ में? ओ भैया आज अगले परेशान कर रहे क्या। हाँ ये हाँ चलो बेटा लक्ष्य दे, टेन ए प्लस टेन बी का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है सर सिंपल है बेटा। हाँ इसमें सिर्फ एक नोटेशन याद रखेंगे कि इन जनरल नोटेशन क्या होता है, अगर आपको कोई भी ट्रायंगल दिया है तो उस ट्रायंगल में कितनी साइड है बेटा, थ्री, ए और हर साइड का लेंथ जो होता है वो एक स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे डिनोट किया जाता है। तो अगर ए वर्टेक्स है तो उसके ऑपोजिट जो भी साइड है उसका लेंथ स्मॉल ए होता है इन जनरल, स्मॉल ए यूनिट जितना। अगर बी वर्टेक्स है तो उस अगर बी वर्टेक्स है तो उसके ऑपोजिट साइड का लेंथ हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, स्मॉल बी, और सी वर्टेक्स के अपोजिट का स्मॉल सी। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, अगर ट्रायंगल एबीसी है तो ए वर्टेक्स के अपोजिट जो भी साइड है उसका लेंथ हम लोग स्मॉल ए यूनिट अज्यूम करेंगे, बी वर्टेक्स के अपोजिट का स्मॉल बी, सी के अपोजिट का स्मॉल सी। अगर मान लो पी की ओर होता तो पी के अपोजिट का स्मॉल पी, क्यू के अपोजिट का स्मॉल पी, आर के अपोजिट का स्मॉल आर। अब बेटा आप मुझे बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल है और टैन ए का मतलब क्या है, ए वर्टेक्स पर बन रहे वाले एंगल की बात हो रही है। टैन रेशियो कैसे डिफाइन होता है, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो टैन ए इस नोटेशन के हिसाब से क्या लिख सकते हो बेटा, ए बाय प्लस टैन बी, क्या लिख सकते हो बेटा, बी बाय ए। टैन बी के लिए ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड हो गई है। टैन रेशियो बेटा बेसिक डेफिनेशन टैन रेशियो की, एक्यूट एंगल ऑफ टैन क्या होता है, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। साइन रेशियो क्या होता है, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस रेशियो क्या होता है, अरे होता है कि नहीं, तुमसे चेहरे और एक्सप्रेशन आते हैं तुमने भूत पहले तो हम यहाँ से कहीं तेरे बोलते कि पहले सांगितलेस नहीं है, देखा है नहीं ये बेसिक डेफिनेशन, बस खत्म। अब आपको टेन ए प्लस टेन बी का वैल्यू लिखना है इन टर्म्स ऑफ एबीसी, तो आपका ये आ चुका है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। अब यहाँ पर भैया पाइथागोरस को बुलाना पड़ेगा क्योंकि ये ऑप्शन में है क्या, लेकिन पाइथागोरस क्या कहता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सी स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी। तो टेन ए प्लस टेन बी क्या होगा, सी स्क्वायर बाय ए बी। हाँ पूरा है, सटीक छोड़ दे क्या, अरे छोड़ देते बाद में देखेंगे बड़े होने के बाद, क्योंकि लोकल तान नहीं दी उसकी चिंता मत देखो। क्या कल भी नहीं मतलब देना है तो फिर अभी दे सकता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ नहीं नहीं मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए आपके लेवल पे, ठीक है। देखो 36 में क्या दिया, ए का वैल्यू है ये बेटा, ए का वैल्यू क्या है, साइन 170 प्लस कॉस 170। तो पूछ रहे हैं कि ये जो ए का वैल्यू लिखा हुआ है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में, तो ये जो ए है ये ए ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, इक्वल टू जीरो है या इक्वल टू वन है, ये पूछ रहे आपसे। हाउ डच ए, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है और पूछ रहे कि ए का वैल्यू क्या होगा। अब आप मुझे बताइए क्या आप इसको अर्जिट एंगल के फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे, देखिए साइन ऑफ आप इसको लिख सकते हो 90 इंटू टू माइनस 10,
नाइनटीन इंटू माइनस टेन लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हो, नाइनटी इंटू टू। अब ये इवन है तो साइन का साइन ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। माइनस टेन क्यों आएगा? अरे माइनस रहो प्लस रहो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रेफरेंस एंगल होता है। माइनस का माइनस रहो प्लस रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो? आज तक हमने सिर्फ प्लस वाले लिए थे, बात समझ रहे हो? माइनस भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस कॉस, हाँ ये इवन है तो कॉस तो कॉस ही रहेगा, कॉस टेन। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव। तो बेटा ए का एक्चुअल में उन्होंने ये वैल्यू दिया था, हमने उसको छोटे एंगल्स के फॉर्म में लिखा है। अब मुझे थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा क्यों बताओ, पूरा बताओ। और क्या बताना है मुझे, आप देखना है कि कितने लोग यहाँ दिमाग लगाते हैं। साइन टेन, हाँ बेटा बेटा, साइन टेन और कॉस टेन में कौन ग्रेटर है? यड़े नहीं बोलना था, मैं विचार करूंगा। रीजन तू ये साइन है, दोनों तो ऑप्शन है, तू अलमाइटी कौन सा कौन सा लागू है? कॉस बड़ा है, क्यों बड़ा है कॉस? ओके हाँ आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, सही जा रहे हो, बताओ वैल्यू बढ़ेगा, कम होगा ना? एक लुमा के बसु करें, साइन बड़ा है, हो गया। ए भैया रे समझा दी, अभी समझते हैं। मुझे आप, ए बेटा मुझे आप बताइए, साइन रेशो के वैल्यूज हमें पता है 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए, सही है? और कॉस रेशो की भी वैल्यूज हमें इन एंगल के लिए पता है, थोड़ा उनको लिख लेते हैं हम। साइन जीरो क्या होता है बेटा? जीरो। थर्टी, फोर्टी फाइव और बिल्कुल इसके विपरीत होता है कॉस का, वन। ध्यान दो बेटा, जब साइन का वैल्यू आप निकाल रहे हो जीरो से नाइनटी तक, तो आप ध्यान से देखेंगे तो वैल्यू बढ़ता जा रहा है, और कॉस का वैल्यू, हाँ बेटा ध्यान नहीं आपका, इनका ध्यान नहीं है, और कॉस का वैल्यू क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। आप थोड़ा सा और देखिए, 45 पे दोनों का वैल्यू सेम है ना, 45 पे दोनों का वैल्यू सेम है, तो जीरो से 45 तक अगर दोनों को कंपेयर करेंगे साइन और कॉस को, तो जीरो से 45 तक साइन बढ़ते जा रहा है और कॉस कम होते जा रहा है, और 45 पर दोनों सेम हो रहे हैं, मतलब अगर आप 10 डिग्री पर देखेंगे तो साइन और कॉस में कौन बड़ा होगा, कॉस बड़ा होगा। आज फिर एक बार प्रूव कर दिया आप लोगों ने, क्या बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हो आप लोग। हाँ बेटा, तो ये क्लियर हो गया आपको, तो कौन ग्रेटर है यहाँ पर? कॉस टेन इज ग्रेटर देन साइन टेन, तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। पहले नेगेटिव आएगा ना, अरे दो में से दस चलेंगे तो क्या मिलेगा? तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, ए का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस ए मस्ट बी लेस देन जीरो, समझ रहे हो? नहीं समझे, नहीं समझे, एक बेटा ये समझे कि नहीं समझे बताइए, कॉस टेन बड़ा होता है कि नहीं? कैसे? देखिए जीरो पर वैल्यू जीरो है साइन का, और कॉस का वैल्यू वन है, तो जीरो से टेन पर जा रहे हो तो इसका वैल्यू थोड़ा सा बढ़ रहा है और इसका थोड़ा सा कम हो रहा है,
मतलब ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो पाया होगा, 0.1, तब ये कितना होगा, 0.9। तो कॉस टेन ग्रेटर है कि नहीं साइन टेन के अंदर? और अगर कॉस टेन ग्रेटर है तो ए का वैल्यू क्या है, साइन टेन में से कॉस टेन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो छोटे नंबर में से बड़ा अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो नेगेटिव आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आपको वही पूछा है कि ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू ये है लेकिन इनमें से ये छोटा ये बड़ा है, तो ए का वैल्यू नेगेटिव हो गया ना, और नेगेटिव मतलब ये लेस देन 0 हो गया। अब बोलो बेटा, साइन 45 के बाद में क्या होगा, साइन का वैल्यू ग्रेटर रहेगा कॉस का कम रहेगा। हाँ ठीक है, क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ? बोले? कौन पास जाने रहा आगे बढ़े बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 37 को ध्यान से देखेंगे। टेन पाई बाय 24 इंटू टेन 3 पाई बाय 24 इंटू टेन 5 पाई बाय 24 इंटू टेन 7 पाई बाय 24 इंटू टेन 9 पाई बाय 24 इंटू टेन 11 पाई बाय 24 इंटू टेन 16 पाई बाय 24, इसका हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब बेटा देखो ये रेडियन में तो समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में एंगल कितने मेजरमेंट का है, तो हम रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में। ठीक है, बोलना करे मजे बोलना क्या? हाँ बेटा बात नहीं करेंगे, रेडियन को कन्वर्ट करना डिग्रीज में। तो देखिए यहाँ पाई बाय 24 है, यहाँ 3 टाइम्स पाई बाय 24 है, यहाँ 5 टाइम्स पाई बाय 24 है। तो एक बार अगर पाई बाय 24 को डिग्रीज में कन्वर्ट कर दे तो बाकी सबका लिखा जा सकता है। तो पाई बाय 24 का डिग्रीज में कन्वर्जन के लिए क्या किया जाता है, पाई की जगह 180 रख दो, पाई की जगह 180 रखेंगे ना डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए। देखो करते बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पाई बाय 24 को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, करते कि नहीं? तो पाई पाई कैंसिल हो जाता है, उससे अच्छा मैंने कहा पाई की जगह 180 रख दो, समझे? हाँ, तो आप बेटा यहाँ क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, और सिंप्लीफाई होगा, और सिंप्लीफाई होगा, 7.5 डिग्री का एंगल आया, 7.5 डिग्री। ठीक है, तो पाई बाय 24 7.5 आया है, तो 3 पाई बाय 24 कितना होगा, 3 पाई बाय 24 3 टाइम्स 5 बाय 24, तो 3 × 7.5 विच विल बी 22.5, 3 × 7.5 7 × 3 21, 1/2 × 3 1.5, 21 + 1.5 22.5, ठीक है, सॉरी 22.5 क्या? हाँ 7 7.5 × 3 कितना होता है बेटा, 7.5 × 3 कितना होगा, 7 से 3 को मल्टीप्लाई करो, 7 से 3 को मल्टी, हेलो हाँ बेटा, अरे इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं बता पा रहे, 7.5 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे,
चलो सेवन एंड हाफ को थ्री से मल्टीप्लाई करना है, सेवन एंड हाफ थ्री से, पहले सेवन को थ्री से करो और फिर हाफ को थ्री से करो, सेवन इंटू थ्री 21, और थ्री इंटू हाफ वन एंड हाफ, 21 + 1 22 एंड हाफ। नहीं समझे फिर भी? एक मुझे मुझे एक बात बताओ, आपके पास 50 50 पैसे को समझते हो? 50 पैसा, मेरे पास 7.5 रुपीज है, 7 रुपीज एंड 50 पैसे है, हाँ, और उसको थ्री से मल्टीप्लाई करना कितना आएगा? अच्छा, सेवन इंटू थ्री कितना होता है? अरे बोलो ना, समझ गए ना? हाँ हाँ आप बेटा, हाँ आगे बेटा, 5 π/24 कितना आएगा? 5 × π/24, तो 5 × 7.5 37.5 बेटा, ठीक है? तो कितने की, कितने का मुनाफा, मतलब इजाफा क्या बोल सकते हैं, कितना ज्यादा हो रहा है इसमें से? ये 15 से ज्यादा हुआ, 15 डिग्री से 15, फिर इसमें 15 ऐड किया तो ये मिला, तो ऑब्वियसली आगे का क्या होगा, 7 π/24 क्या होगा, इसमें 15 ऐड कर दो या फिर 7 × 7.5 कर दो, तो 52.5 होगा, फिर 9 π/24, फिर 82.5। ये अलग है क्योंकि 11 का 13 नहीं है, अभी इसका 16 है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 16 π/24 मतलब कितना है बेटा? 16 × 82 नहीं, हाँ हाँ बेटा, इसको कम एक देख लो, यहाँ पर 16 × 16 π/24 इसको कन्वर्ट करना है, तो पाई पाई विल गेट कैंसल, हमें यहाँ क्या मिला था? सॉरी, ये 4 था ना, और ये क्या 120, ठीक है? अगर आप 7.5 से भी मल्टीप्लाई करते हो 16 को, तो भी यही आएगा, कुछ भी कर लो, ठीक है? सर तो ये 120 आ गया, तो लास्ट वाले का तो सीधा वैल्यू ही निकल सकता है, 10 120 है ना बेटा? लास्ट वाला क्या है? 10 120 मतलब क्या? 10 of 90 into 1 + 30, अभी ऑड नंबर है तो 10 का बनेगा cot 30, हाँ, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होगा, तो -√3 विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब ये जो पहले 6 रेशियो थे, इनको आप निपटाना है, लास्ट वाले का तो सीधा वैल्यू है हमारे पास। पहले 6 रेशियो को कैसे निपटाएंगे, तो सबसे पहले तो मैं इनको डिग्री के फॉर्म में लिखना चाहूंगा, और आप लोगों का ध्यान किसी एक चीज की तरफ लाना चाहूंगा मैं यहाँ पे। कौन सी चीज की तरफ? देखिए ऊपर लिखो, ऊपर का दिख रहा है ऊपर को, वेरी गुड बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बेटा देख लो, ये ऊपर लिख दू, ये देखो 7.5, 10 π/24 7.5, ये कितना है? 10 22.5, ये कितना है? 10 37.5, फिर इंटू 10 52.5, फिर इंटू 10 67.5 इंटू 10 82.5, और लास्ट वाले का वैल्यू कितना है? -√3। आप बेटा इनमें से ऐसे पेयर ढूंढो कि जिनका एडिशन 90 आता है, 7.5 एंड 82.5, और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो टेन थीटा कन्वर्ट हो सकता है कॉट ऑफ 90 - थीटा में, समझिए बात को। अगर दो एंगल का एडिशन 90 आता है, जैसे मेरे पास थीटा एंड 90 - थीटा, इन दोनों का एडिशन कितना है, इन दोनों को ऐड कर दो, थीटा थीटा करके कैंसिल, 90 आएगा एडिशन, तो अगर मैं टेन थीटा लिखता हूँ तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? कॉट ऑफ 90 - थीटा, समझ रहे हो बात को? तो अगर मैं टेन थीटा इज इक्वल टू इसको लिख रहा हूँ 1/10 90 - थीटा, तो ये टेन इधर आके मल्टीप्लाई क्या आंसर देगा? 10 × 10 of 90 - थीटा ही 1। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर दो एंगल का एडिशन 90 आ रहा है और दोनों रेशियो सेम है, सेम मतलब टेन टेन है, साइन साइन है, इस तरीके से, तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? 1 आता है। कैसे आता है समझ रहे हो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की रिलेशन से। नहीं समझ रहे? नहीं समझे? अब चलिए ये हाफ वगैरह को छोड़ दो, मैं आसान एग्जांपल देता हूँ। 10 10 × 10 80 है, तो इसका आंसर रहेगा 1। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एडिशन 90 आ रहा है और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, और दोनों 10 10 है। कैसे?
कैसे? देखिए टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि इन दोनों का एडिशन 90 है, तो टेन 80 को लिख सकते हैं कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो टेन थीटा, तो ये क्या बनेगा बेटा, कॉट 10 बनेगा, और ये टेन 10 इंटू कॉट 10 क्या होता है, 1/10, तो टेन टेन कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 1। अभी भी नहीं समझा? नहीं समझा आपको? नहीं समझा? समझा ईमानदारी से? समझा बेटा आपको? हाँ नहीं समझा इसको? इसको आपको बेटा समझा? मुझे चलो एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ना, क्या दो एंगल का एडिशन 90, दोनों रेशियो सेम और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर क्या? अब यहाँ देखिए इसका और इसका एडिशन 90, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन और दोनों रेशो 10, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना 1। फिर बेटा इन दोनों का एडिशन, हाँ माइनस रूट थ्री आएगा क्योंकि लास्ट वाले का वैल्यू माइनस रूट थ्री था, वो भी तो मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी तो माइनस, ये इसका वैल्यू ये है ना। हाँ बेटा इन दोनों का एडिशन 90, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन और रेशो सेम 10 10 है तो कैंसिल होगा, इन दोनों का एडिशन 90, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन 10 10 है तो कैंसिल होगा, समझे? लिखना है फिर इसको, देखो टाइम ही नहीं भाग रहा आपको, टाइम कैसे जा रहा है समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसा लग रहा है लेकिन जैसे रुक गया है। हाँ बेटा अच्छा है ना हमारे लिए जितना से। अरे बेटा मन मंजिल बुरा मान जाएगी। ये पोर्शन जैसी चीज नहीं होती फाउंडेशन में, जितने दिन आ रहे उतने दिन पढ़ाते रहते हैं हम लोग, इसका पोर्शन एंडलेस होता है, खत्म होता ही नहीं है। तो समझने के लिए लिखा, आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, उठ जाओ बेटा उठ जाओ, टाइम है अभी, बहुत ज्यादा टाइम है। हाँ ठीक है ना, कौन सा टॉपिक है? बताओ इनको, ये बताएंगे बता। आपने बोला इतना कॉन्फिडेंस से, तो अभी बता, नंबर सिस्टम में एक्सपर्ट हो? चलिए मुझे बताइए इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर में क्या फर्क होता है? अच्छा मुझे बताओ रूट रूट क्या लिख रहे हैं ना? हाँ बेटा पहले लिख लो बेटा, आप लोग जिनका बाकी है। अच्छा प्रूव करने के लिए बोला है क्या? अरे ये तो मेरे को भी नहीं, क्या कैसे करना है ये तो बता ही सकते हैं, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ लॉक का इस्तेमाल करके। सर वो बहुत सारे काउंट कर दिया है,
बेटा आवाज ही नहीं आई। बेटा 2 मिनट के लिए शांत बैठोगे? हाँ बोलो बेटा। हाँ नहीं 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 आईआईटी का मैंने कहा आईआईटी किया है। लॉगरिथम जो टॉपिक है ना, अगर देखो एक मेथड है उससे किया जा सकता है, दूसरा अगर कोई मेथड है बुक में अगर कुछ दिया है आपसे आपके ये तो ठीक है, ये किया जा सकता है। ठीक है करते हैं। हाँ इनको देखो हाँ बेटा चलिए। हाँ सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करके दिया जा सकता है। ठीक है बेटा। हाँ वो कुछ ऐसा दिया था 2:x = 2:y = 2:z 3:y और रुको 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 हाँ देन प्रूव करना है z = x + y / x2। ठीक है बेटा। हाँ हाँ बेटा देखो ये आपको प्रूव करना है। देखो सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, अगर इन दोनों को मैं इक्वेट करता हूँ 3 × 2 = 3 × 2 = z ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है हाँ तो बेटा फिर क्या हो जाएगा 3 × y = 3 × z × 2 × z। ठीक है हाँ बेटा तो 3 वाले को इधर लेके गया तो 3 × y - z = 2 × z हो गया। ठीक है हाँ अब क्योंकि बेटा ये जो आपने लिखा है 3 × y है ना, तो ये 2 × x के भी बराबर है। हाँ तो आप क्या कर सकते हो 2 × x के बराबर है तो हम लोग यहाँ पर रुको बेटा रुको 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 अरे 3 को इधर भेज दिया ना, लॉज ऑफ इंडाइसेस। Thank you.
हाँ बेटा कैसे करें सर? सर बताओ सर बताओ नहीं। यहाँ देखिए इसको जो लिखा हुआ है ये किस तरीके से लिखा है, तो टू ये जो है टू रेस टू एक्स अपॉन टू प्लस टू, ठीक है, और टू रेस टू एक्स इंटू टू प्लस टू विच इज इक्वल टू थ्री बाई टू, ठीक है। तो बेटा इसमें आप लोग अगर टू रेस टू एक्स को m सब्स्टिट्यूट कर देते हो थोड़े देर के लिए, है ना, कोई भी एक, क्योंकि ये पावर में है ना, तो अगर मान लेते थोड़ी देर के लिए टू रेस टू एक्स नथिंग बट एम, तो मेरे पास क्या रहेगा एम बाई टू प्लस टू अपॉन टू एम प्लस टू इज इक्वल टू थ्री बाय टू। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको एम प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई टू एम प्लस टू इज इक्वल टू थ्री बाय टू, ये टू नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा दैट इज एम प्लस फोर बाय टू इंटू टू एम प्लस टू विच इज इक्वल टू थ्री बाय टू, टू टू विल गेट कैंसल, तो आपके पास रहेगा एम प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री टाइम्स टू एम प्लस टू, मतलब थ्री इधर आके थ्री को इधर आके मल्टीप्लाई करना, तो एम प्लस फोर विच इज इक्वल टू सिक्स एम प्लस सिक्स। तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया। अब एम का वैल्यू कैसे आएगा, सिक्स माइनस फोर इज इक्वल टू फाइव एम, तो 2 by 5 is equals to m का वैल्यू है, ठीक है, सॉरी ये उल्टा हो गया, 4 minus 6 is equals to 6 minus 5, तो minus 2, तो m is equals to minus 2 by 5 हो गया, लेकिन m हमने क्या assume किया था, 2 raise to x, so therefore 2 raise to x is equals to आपके पास क्या है, minus 2 by 5, ठीक है, हाँ, तो तो बेटा ये तो गलत क्वेश्चन है, इसका रीजन ये है, नहीं इसका एक रीजन है, देखिए बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, आप किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर कोई भी पावर लेते तो उसका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, क्या आ सकता क्वेश्चन कैसे, मुझे आप बताइए ना इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, बेटा उनको बात करने दो, हाँ ठीक है, आप एक बात समझिए इस क्वेश्चन का मतलब समझिए, दिस इज द इक्वेशन, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, सच वैल्यू ऑफ एक्स व्हिच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, आपको एक्स की जगह पर एक ऐसा नंबर लिखना है कि जिसकी वजह से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, मतलब एक्स की जगह पर वो नंबर लिखने से एलएचएस का वैल्यू 3 / 2 बन जाना चाहिए, बात समझ रहे हो आप, उसी को तो सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन बोलते हैं हम लोग। अब इसी क्वेश्चन को अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन के अंदर मुझे ये निकालना है ना, इसी को अगर मान लो मैं के बोल देता हूँ, कुछ ये तीनों इक्वल है ना, के बोल दिया, अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, टू रेस टू एक्स इज इक्वल टू के, फिर थ्री रेस टू वाई इज इक्वल टू के, हाँ बोल किसकी, नहीं नहीं बेटा एक्स की जगह ऐसी वैल्यू आनी चाहिए कि इसका वैल्यू माइनस टू बाई फाइव आना चाहिए, समझ रहे हो, हाँ चलो बेटा आगे देखिए, इसको अगर मैं लॉग अप्लाई करता हूँ तो लॉग के टू द बेस टू वाई इज इक्वल टू लॉग के टू द बेस थ्री जेड इज इक्वल टू लॉग के टू द बेस सिक्स, ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू ये प्रूव करना है आपको, आप एक काम कीजिए
क्वेश्चन मतलब प्रिंटेड है या लिखवा के दिया था, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना, भेज दीजिए मुझे, ठीक है, कल लेके आओ। फिर क्या हो रहा था फिर? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या होता है कि कोई किसी भी क्वेश्चन पे बैकग्राउंड क्या यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, है ना, इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन भेजिए प्रॉपर। चलिए, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे भी हो सकता है कि ये नाइन्थ वगैरह का है, कुछ आगे तरह का होगा यूज किया हुआ जो मैं भूल चुका होगा, ऐसे भी हो सकता है। नंबर सिस्टम ये कहाँ से आएगा? अच्छा मुझे आप बताइए, ये जो क्वेश्चन इसमें कोई गलती नहीं है? नहीं नहीं इसमें कोई गलती नहीं, सही है, ठीक है। अरे सर ये रिक्वेस्ट है सर, ये तो चले बेटा एंड करते आज की क्लास।